अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी कैसे आपकी जान पर आफत बन सकती है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मेट्रो से सफर करने वालों के लिए चेतावनी देने वाली एक खबर कोलकाता से आई है। कोलकाता में मेट्रो ट्रेन के चमचमाते कोच के दरवाजों पर लगे सेंसर पर भरोसा करना एक मुसाफिर के लिए कैसे जानलेवा साबित हुआ वो देखिए। देखिए, प्लेटफॉर्म पर मेट्रो खड़ी है, तभी मेट्रो में चढ़ने के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ दरवाजों के बीच फंस जाता है और तभी मेट्रो चल पड़ी, जिससे दर्दनाक हादसा हो जाता है। हादसा शनिवार को शाम 6:40 के करीब हुआ, जब मेट्रो कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्टेशन से गरिया की ओर जा रही थी, तभी 66 साल के बुजुर्ग सजल कुमार कांजीलाल मेट्रो में चढ़ रहे थे। उनके चढ़ने से पहले ही अचानक मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए, जिसके चलते उनका हाथ फंस गया और शरीर मेट्रो से बाहर घिसटता रहा। कहा जा रहा है कि मेट्रो के दरवाजों में लगा सेंसर फेल हो गया था और इसी वजह से बुजुर्ग का हाथ दरवाजे में फंसा रहा। वहीं इस हादसे के बाद कोलकाता मेट्रो ने ट्रेन के ड्राइवर और को ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, हादसे के वक्त स्टेशन पर काफी भीड़ थी, लेकिन जब दूसरे यात्रियों ने शोर मचाया तब तक मेट्रो रफ्तार पकड़ चुकी थी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और बुजुर्ग व्यक्ति मेट्रो ट्रैक पर ही गिर पड़ा। इसके बाद उसे फौरन घायल हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। অ্যালার্ম ক্লকে আমরা বারবার অ্যালার্মে নক করেছি, কিন্তু কোনো রেসপন্স পাওয়া যায়নি এবং ফোন করা হয়েছে হেল্পলাইনে, সেখান থেকেও কোনো রেসপন্স পাওয়া যায়নি। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये वीडियो देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां मेट्रो दिल्ली वासियों के लिए लाइफलाइन कही जाती है। बार बार ऐसे हादसे होते रहते हैं, बावजूद इसके हम सबक नहीं लेते। देखिए, दिल्ली के कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन पर जब एक बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म पर गिरी तो अफरा तफरी मच गई। महिला का पैर मेट्रो ट्रेन के अंदर जाने से पहले ही प्लेटफॉर्म के गैप में जा फंसा। गनीमत यह रही कि उस वक्त मेट्रो में सवार सभी यात्री बुजुर्ग महिला की मदद के लिए तुरंत आगे आए और महिला की जान बच गई। सोचिए, अगर मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए होते तो दर्दनाक हादसा भी हो सकता था। आपको बता दें कि मेट्रो और प्लेटफॉर्म के बीच एक गैप होता है, जिसका मुसाफिरों को खास ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन यही चूक बुजुर्ग महिला से हो गई और उसका पैर मेट्रो और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। अब एक और तस्वीर देखिए, यहाँ कैसे यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसका वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। देखिए, दिल्ली की येलो लाइन रूट पर मेट्रो ट्रेन का गेट खुला है, सामने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन का प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है और अंदर खड़ा एक यात्री खुले दरवाजे के साथ दौड़ती मेट्रो ट्रेन का वीडियो बना रहा है। आपको बता दें कि यह घटना साल 2017 के सितंबर महीने की है, जब रात 10 बजे के करीब मेट्रो ट्रेन नई दिल्ली से विश्वविद्यालय की ओर जा रही थी। जैसे ही मेट्रो चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से आगे बढ़ी, तभी मेट्रो का दरवाजा खुला रह गया और इसी तरह मेट्रो कश्मीरी गेट तक दौड़ती रही। ये देखकर मेट्रो में सवार यात्री दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान मेट्रो का अलार्म बटन भी काम नहीं कर रहा था। जब गेट खुले रहने की जानकारी मेट्रो प्रबंधन को मिली तो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन खाली कराई गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी पैसेंजर को चोट नहीं आई, नहीं तो सोचिए हादसा कितना भयानक हो सकता था। DMRC की ऐसी ही लापरवाही साल 2014 में भी दिल्ली के घिटोरनी मेट्रो स्टेशन पर भी सामने आई थी। आपको बता दें, दिल्ली की मेट्रो हो या फिर मुंबई और कोलकाता की मेट्रो ट्रेन आजकल वक्त पर मंजिल तक पहुंचने की गारंटी बन चुकी है। यही वजह है कि दिल्ली और कोलकाता के लोग मेट्रो से सफर करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मेट्रो की बढ़ती डिमांड के चलते ऑफिस जाने वाले समय में मेट्रो में भारी भीड़ होती है और हर कोच में खचाखच मुसाफिर भरे होते हैं। मेट्रो के दरवाजों पर सेंसर लगा होता है, यही वजह है कि लोग आखिरी समय तक मेट्रो में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। लोगों को पता है कि ट्रेन के दरवाजे बंद हुए बगैर मेट्रो आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन कोलकाता में जो हुआ वो एक बड़ी चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।